हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका इस्तकबाल है अफरोज रोशन यूट्यूब चैनल में। आइए आज के इस वीडियो में हमको देखना है सनत मुबालगा किसे कहते हैं। तो शेरों में पाए जाने वाली किस्में अलग अलग बात बताई जाती है, इसलिए उसको अलग अलग तकसीम किया गया है। जैसा कि शेर में किसी चीज के औसाफ की हद से ज्यादा तारीफ या बुराई कर रहे तो उसे सनत मुबालिगा कहते हैं। मुबालिगा शायरी की जीनत कहलाती है, लेकिन मुबालगा गलू इसकी सनत मुबालिगा की तीन किस्में हैं। देखो, इसमें पहला है तबलीग। तो आगे हम आपको बताएंगे तो तबलीग किसे कहते हैं, ये तबलीग करना। दूसरा कहलाता है अगराब। अगराक और तीसरा कहलाता है लू। तो देखो, ये तीनों की जो है तो हमको पहले तारीफ देखना है एक एक करके। तो जैसा कि नंबर एक कहलाता है मुबालगाए तबलीग। तो मुबालगाए तबलीग किसे कहते हैं, यानी कि वो मुबालगा है जिसमें अक्ल और आदत की रूह से मुमकिन बात कही जाए। देखो, गौर करना है कि सनते तबली मुबालगा तबली किसे कहते हैं। मुबालगा तबली कहने के वो मुबालगा है जिसमें अक्ल, देख इसकी मिसाल देखिए, कि दिल के नालों से जिगर दुखने लगा, यहां तलक रोए केसर दुखने लगा। तो अब जो स्क्रीन पे शेर देख रहे हैं कि दिल के नालों से जिगर दुखने लगा, यहां तक रोए केसर दुखने लगा। अब ये हो गई हमारी मुबालगाए तबलीग। अब दूसरी हमारे पास में किस्म है मुबालगाए अगराक। तो मुबालगाए अगराक किसे कहते हैं, मुबालगाए अगराक क्या होता है, ये तो नया लफ्ज हमें सुनने के लिए मिला। लेकिन वो मुबालगा, मुबालगाए अगरीक, मुबालगाए अगराक वो मुबालगा है जिसमें अगल की रौ से मुमकिन लेकिन आदत के खिलाफ बात कही जाए, आदत के खिलाफ उसमें बात बयान की जा रही है। तो ऐसे शेर की सनत को सनते मुबालगाए अगराक कहते हैं। तो इसकी तीन अलग अलग किस्में हैं। मसलन, सुबह को हो कोई अंग्रेज अगर इस पे सवार, हाजरी दिखाए सपाटो में तो लंदन में टिफिन। तो इस तरह से इसकी अलग अलग मिसालें होती है। तो देखिए, अब हमको इसकी तीसरी मिसाल देखना है गलू। मुबालगाए गलू किसे कहते हैं, मुबालगाए गलू यानी के मुबालगाए गलू वो ना पसंदीदा मुबालगा है, मुबालगाए गलू वो ना पसंदीदा मुबालगा है जिसमें अक्ल और आदत दोनों की मदद नामुमकिन बात कही जाए। तो अक्ल और आदत तो दोनों की रौ से नामुमकिन बात कही जाए, यानी कि ऐसी बात जो मुकम्मल तौर से काम नहीं कर सकती। यानी कि यारो शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, यारो शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमान पे पानी कमर कमर। अब इसकी दूसरी मिसाल, यानी मुबालगाए गलू की दूसरी मिसाल देखिए, कि बाम पर जब बुध काफिर का गुजर होता है, बाम पर जब बुध काफिर का गुजर होता है, तारे छुप जाते हैं शर्मिंदा कमर होता है। तो इसकी आज के इस वीडियो में हमने सनत मुबालगा की तीन अलग अलग सनतें देखी है, तीन अलग अलग किस्में समाप्त फरमाई है।